नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को एनडीए से टिकट नहीं मिलने के बाद बिहार में इस पर सियासत की बाजार गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अब इस मामले में जातिवाद को जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेमचंद मिश्र ने गुप्तेश्वर पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि गुप्तेश्वर पांडे गलत पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे जदयू जैसी पार्टी के लिए बने ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जदयू ने ब्राह्मणों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, गुप्तेश्वर पांडे को दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। वहीं जदयू ने अपने बचाव में कहा कि सिर्फ टिकट के आधार पर किसी की राजनीति को नहीं समझना चाहिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आगे की जिम्मेदारी तय करेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने टिकट नहीं मिलने के मसले पर कहा कि राजनीति में कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं वो होता नहीं। मैं जदयू पार्टी के सजग सिपाही हूं। उन्होंने कहा कि मैं ठगा नहीं गया हूं, क्योंकि नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। उन्होंने कहा कि अब एनडीए को सोचना है कि मैं क्या करूंगा। बहरहाल गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने का जो भी वजह रहा हो, लेकिन आंकड़े तो यही बताते हैं कि सीट बंटवारे में अधिकतर राजनीतिक दलों ने ब्राह्मणों को साझेदारी देने से परहेज ही किया है। आइए नजर डालते हैं बिहार में जाति आधारित आबादी पर। बिहार में अत्यधिक पिछड़ी जाति 21.1%, मुस्लिम 14.7%, यादव 14.4%, ब्राह्मण 5.7%, महादलित 10%, दलित 4.2%, कायस्थ 1.5%, भूमिहार 4.7%, राजपूत 5.2%, कुर्मी 5% और बनिया 7.1% हैं। बताते चले कि ये सभी आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं। हालांकि कांग्रेस नेता ने दावा किया है, उससे यह भी जाहिर होता है कि आबादी के अनुरूप भी ब्राह्मणों को राजनीतिक दलों ने हिस्सेदारी नहीं दी है। आइए अब जानते हैं किस पार्टी ने कौन से जाति के उम्मीदवारों पर अधिक भरोसा जताया है और किस जाति को दरकिनार किया है। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों में से सबसे अधिक उम्मीदवार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से उतारे हैं। इनकी संख्या 67% है, जबकि जदयू ने 115 में से 19 उम्मीदवार सवर्ण जाति से उतारे हैं, जिनमें 8 भूमिहार, 7 राजपूत और सिर्फ 2 ब्राह्मण उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं राजद ने इस बार समीकरण को बदला है। राजद ने पहले चरण की 42 सीटों के लिए 19 यादव, 3 कोयरी, 3 मुस्लिम, 1-1 राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, 2 वैश्य, 8 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 3 अति पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले चरण की 21 सीटों पर सबसे अधिक सवर्ण समुदाय को टिकट दिया है, जिनकी संख्या 14 है। इनमें 6 भूमिहार, 5 राजपूत और 2 ब्राह्मण उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा 1 कायस्थ उम्मीदवार भी शामिल है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने पहले चरण की 27 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर सवर्ण समुदाय के चेहरों को मैदान में उतारा है, लेकिन यहां भी ब्राह्मणों की संख्या कम है। बीजेपी ने 7 टिकट राजपूत उम्मीदवारों को दिए हैं, जबकि 6 भूमिहारों को और सिर्फ 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने में कंजूसी ही किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज।